नमस्कार, मैं प्रिया, धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य स्वागत के लिए काशी उनके लिए तैयार है। पीएम मोदी 4.5 घंटे काशी में रहे और इस दौरान पीएम मोदी नई शिक्षा नीति के संबंध में शिक्षा मंत्रालय के 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन भी करते देखे गए। साथ ही सिग्रा स्टेडियम में 1774 करोड़ की 43 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। संभल के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क एक बार फिर से चर्चा में आ गए। उन्होंने बिजली विभाग के अफसरों को धमकी दे दी है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सपा सांसद ने बिजली विभाग के कर्मियों को धमकी देते हुए कहा है कि बकरीद के मौके पर बिजली चेकिंग के नाम पर छेड़छाड़ की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने बिजली विभाग के कर्मियों को त्यौहार के मौके पर पूरी तरह बिजली देने के लिए चेताते हुए धमकी दी है। यूपी में बादल बेशक मेहरबान हुए हो लेकिन गर्मी और उमस पीछा नहीं छोड़ रही है। बुधवार को 2 बार हल्की बारिश के बाद भी लोग पसीने से तरबतर रहे। तापमान भी स्थिर बना हुआ है। बुधवार को सुबह तेज धूप निकली लेकिन कुछ समय बाद हल्की बारिश हुई। दोपहर को फिर तेज धूप और उमस की मार देखने को मिली। दोपहर बाद करीब 4 बजे दोबारा रिमझिम बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपनी फिल्म काली के विवादित पोस्टर पर सोशल मीडिया से सड़क पर प्रदर्शन झेल रहे फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि संघ परिवार धार्मिक कट्टरता से भारत को नष्ट करना चाहता है। हिंदुत्व कभी भारत नहीं बन सकता। शिवसेना विधायकों की बगावत से हुए नुकसान के बाद उद्धव ठाकरे के सामने नई मुश्किलें दस्तक दे सकती हैं। सरकार गंवाने के बाद इस बार उन्हें महाविकास अघाड़ी को बचाने की चुनौती मिलने के आसार हैं। अब इस परेशानी के तार राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां पर विपक्ष ने राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, वहीं एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा है। ऐसे में एमवीए के सदस्यों की राय गठबंधन की एकता पर भारी पड़ सकती है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गुरुवार को स्पष्ट किया है कि वो जो कुछ भी ट्वीट करते हैं वो उनकी निजी राय होती है। ये बयान उनकी उस टिप्पणी के बाद इस एक दिन बाद आया है जिसमें वो तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के द्वारा मां काली को लेकर की गई टिप्पणी के लिए प्रतिक्रिया दे रहे थे। इसके लिए कांग्रेस सांसद पर उन्हीं की पार्टी ने निशाना साधा है। थरूर ने सफाई देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज शादी के बंधन में बंध गए हैं। चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर उन्होंने सादगी के साथ डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ शादी रचाई। ये मान की दूसरी शादी है। शादी से पहले सोशल मीडिया पर भगवंत मान को बधाइयां मिलने लगी थी। शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन की मनमोहक तस्वीरें भी सामने आई है। बता दें कि शादी समारोह में ज्यादा भीड़भाड़ नहीं थी। उत्तर प्रदेश के मदरसों में छात्रों की संख्या में गिरावट जारी है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 6 सालों में दाखिला लेने वालों की संख्या 3 लाख से ज्यादा घटी है। बताया जा रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता, मिलने वाले सर्टिफिकेट की अहमियत के चलते मदरसों को छात्र कम मिल रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का कहना है कि मदरसों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। भारत में कोविड-19 के मरीजों का बढ़ना जारी है। इस बीच खबर है कि देश में ओमिक्रॉन का नया सब वेरियंट BA.2.75 मिला है। इस बात की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है। बताया गया है कि पहले इस सब लाइनेज की पहचान भारत में हुई थी और बाद में ये अन्य देशों में भी फैल गया है। फिलहाल WHO BA.2.75 पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना टीके की बूस्टर डोज लेने की समय सीमा को 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर ये जानकारी दी है। पत्र में कहा गया है कि 18 से 59 साल की उम्र के लोग अब दूसरी खुराक लेने के 6 महीने के भीतर तीसरी खुराक निजी टीकाकरण केंद्र पर ले सकेंगे। इनकम टैक्स विभाग ने बुधवार को बेंगलुरु स्थित फार्मास्यूटिकल कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड के परिसरों पर छापेमारी की। ये छापेमारी कथित टैक्स चोरी के आरोप में की जा रही है। कंपनी डोलो 650 टैबलेट भी बनाती है। बता दें कि डोलो 650 वही टैबलेट है जो पिछले 2 सालों के दौरान कोविड-19 रोगियों द्वारा व्यापक रूप से इस्तेमाल की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। राज्यसभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 51 वर्ष के सिंधिया नागर विमानन मंत्री है। मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार में वो तीसरे इस्पात मंत्री है। कामकाज संभालने से पहले सिंधिया ने यहां उद्योग भवन में अपने कार्यालय में अपनी मेज पर भगवान गणेश की प्रतिमा रखी। उन्होंने इस्पात सचिव संजय कुमार सिंह और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यभार संभाला। काली पर दिए बयान को लेकर मचे बवाल के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के इशारों में नसीहत दी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि कभी कभी मुझे लगता है कि हम हमेशा किसी भी नकारात्मक मुद्दे पर विवाद पैदा करने पर जोर देते हैं लेकिन हम देखते हैं कि हर रोज नए काम हो रहे हैं लेकिन मीडिया उन चीजों के बारे में नहीं बोलता। ममता ने कहा कि कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती है। इस बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भूल करने के लिए लिखो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को अपने चीनी समकक्ष वांग यी को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सभी लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान की आवश्यकता से अवगत कराया है और कहा है कि द्विपक्षीय संबंध सम्मान, संवेदनशीलता और रुचि की 3 परस्परता पर आधारित होनी चाहिए।
ब्रिटेन में जारी सियासी संकट के बीच प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। आज ही वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुन लिया जाता तब तक वो पद पर बने रहेंगे, ये जानकारी ब्रिटिश मीडिया ने दी है। बता दें कि बोरिस जॉनसन के खिलाफ उनकी अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी में बगावत हो गई थी। अब तक 40 से अधिक मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। उच्चतम न्यायालय ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए उत्तर प्रदेश में दर्ज एक मामले के संबंध में उनकी जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा कि मामले को भारत के प्रधान न्यायाधीश की मंजूरी के बाद शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। केरल में माकपा के विधायक साजी चेरियन के संविधान विरोधी बयान के संबंध में उनके खिलाफ गुरुवार को एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। बयान को लेकर विपक्षी दलों सहित विभिन्न वर्गों के निशाने पर आने के बाद सांस्कृतिक और मत्स्य पालन विभाग के मंत्री चेरियन ने अपने पद से बुधवार को इस्तीफा दे दिया है। भारत में डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप कम नहीं हुआ है। हर साल बारिश के मौसम में दोनों बीमारियां अपने पैर पसारती है। वहीं इन दोनों बीमारियों को काबू करने के लिए नए प्रकार के मच्छर विकसित किए गए हैं। ये मच्छर ऐसे लार्वा पैदा करेंगे जो डेंगू और चिकनगुनिया का खात्मा कर देंगे। मॉनसून ने कई राज्यों में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र और गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। मुंबई में जुलाई तक भारी बारिश अनुमान जताया गया है। रायगढ़ और रत्नागिरी में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा पालघर में भारी बारिश की वजह पंडरतारा पुल टूटने की खबर भी आई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वैश्विक स्तर पर कीमतों में भारी गिरावट के बीच सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों को आयातित खाद्य तेल के अधिकतम खुदरा मूल्य में एक सप्ताह के अंदर 10 रुपए प्रति लीटर तक और कटौती करने का निर्देश दिया है। साथ ही कंपनियों से कहा गया है कि एक ब्रांड के तेल के दाम पूरे देश में एक ही होने चाहिए। वैश्विक स्तर पर कीमतों में भारी गिरावट के बीच सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों को आयातित खाद्य तेल के अधिकतम खुदरा मूल्य में एक सप्ताह के अंदर 10 रुपए प्रति लीटर तक की और कटौती करने का निर्देश दिया है। साथ ही कंपनियों से कहा गया है कि वो एक ब्रांड के तेल के दाम पूरे देश में एक ही होने चाहिए। भारत अपने खाद्य तेल जरूरत का 60% से अधिक आयात करता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने हर घर तिरंगा पर बड़ा बयान दिया है। अपने उन बयान के सोशल मीडिया पर उनकी जमकर चर्चा भी हो रही है। बुधवार को उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें एक पत्रकार उनसे केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के बारे में सवाल पूछता है। पत्रकार के सवाल पर फारूक अब्दुल्ला कश्मीरी भाषा में जवाब देते हैं, वो अपने घर में रखना। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 18,930 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,35,66,739 हो गई है जबकि उपचाराधीन रोगियों की तादाद 1,19,457 तक पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को अद्यतन किए गए आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। सुबह 8 बजे अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 35 और संक्रमितों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 5,25,305 हो गई है। चीनी कंपनी वीवो पर प्रदर्शन निदेशालय ने जब से शिकंजा कसा है तभी से कंपनी की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। खबर आ रही है कि वीवो के डायरेक्टर जिहेन शुनो और जांग जी ने देश छोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि जांच के डर से दोनों फरार हो गए हैं। बता दें कि वीवो पर भारत में रहते हुए बड़े स्तर पर हेराफेरी करने का आरोप है। 2017 के बाद से काशी में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। इस नई तस्वीर पर पूरी दुनिया से अब तक आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। इसी कड़ी में काशी में उत्तर भारत की सबसे बड़ी रसोई घर बनाई गई है। इस रसोई का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज राज्य सचिवालय मंत्रालय में आधिकारिक रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया। शिंदे के प्रभार संभालने के पहले भव्य तरीके से इसे सजाए गए मुख्यमंत्री कार्यालय में पूजा की गई। उनके कक्ष में शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की बड़ी तस्वीर लगी और उसमें उसके बगल में ही शिंदे के मार्गदर्शक आनंद घीके की तस्वीर लगी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में बुधवार को 5 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य लापता है। शिमला जिले के झाकरी में फिरोजपुर शिपकी राष्ट्रीय राजमार्ग 5 समेत अनेक मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। अनेक इलाकों में बिजली और जलापूर्ति भी प्रभावित हुई है। कुल्लू प्रशासन ने नदियों के पास वाटर स्पोर्ट्स और कैंपिंग पर रोक लगा दी है। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने बुधवार को कहा है कि कृषि फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक कि बाजार प्रतिस्पर्धी और कुशल ना हो जाए, लेकिन इसे खरीद के अलावा अन्य किसी माध्यम से दिया जाना चाहिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इक्रियर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कृषि बाजार को दुरुस्त करना विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए चंद ने ये बातें कही है। शिवसेना के सांसदों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना को द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। इतना ही नहीं, सांसदों ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से के साथ चलने की अपील भी की है। आज से शुरू होने वाली कॉफी विद करण को लेकर कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि पापा जो अपने शो कॉफी विद करण के सारे फेमस एपिसोड को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि आज उसका ओटीटी पर प्रीमियर है। पापा जो को गुड लक, लेकिन इस एपिसोड का क्या, ओह सॉरी, सर्जिकल स्ट्राइक घर में घुस के मारा था ना। मेरा एपिसोड इस शो का सबसे पॉपुलर एपिसोड था और इसके बाद वो टीवी पर बैन हो गए थे, बिल्कुल उनके फिल्म फेयर अवार्ड की तरह।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया, इनके नाम है नजमा खातून, नुनू कुमार, रामलखन कुमार, परमेश्वर कुमार, अपना सॉन्ग, कमलेश यादव, अहमद अली, मोनू कुमार, सुशील कुमार, जितेंद्र कुमार, कमलदीप राठौर, शुभम मिश्रा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के नए वेरियंट मिलने के बाद क्या देश भर में मास्क को फिर से अनिवार्य कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।